इससे पहले की वीडियो में हमने पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किसी प्रदेश और जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व का नाम दे दिया जाता है। किसी प्रदेश का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यह जिस प्रकार से वायु दाब प्रेशर किसको दिखाता है, पवन के दबाव को दिखाता है, उसी प्रकार जनसंख्या भी, जनसंख्या घनत्व भी किसी क्षेत्र में जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। और जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, और जहाँ पर क्या है जनसंख्या कम होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होता है। इस प्रकार से इसको निकालने के कुछ मेथड हैं, उनको हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या को दिखाने के प्रकार क्या क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अर्थमैटिक डेंसिटी। अर्थमैटिक डेंसिटी अंकगणितीय घनत्व इसको कहा जाता है। इसको कैसे निकालते हैं, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे में प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे में प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, इसको इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि हमने कोई एरिया लिया है, उसकी टोटल पॉपुलेशन और उसके एरिया को भाग कर देते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है अर्थमैटिक डेंसिटी हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या है, इसमें समस्या क्या है, या इसकी जो हम सीमाओं की बात करें तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें वो क्षेत्र भी शामिल हो जाता है जो दलदल भूमि होती है, पर्वतीय पठारी भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, जहाँ पर मानव निवास नहीं करता, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। और ये एक मतलब एवरेज मैप है, एवरेज मैप को दिखाता है। इसमें
सभी क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है जो कि मानव के निवास के योग्य भी नहीं होता है, पूरा का पूरा ही क्षेत्र। भारत में यह कितना है, भारत में भारत का कितना है, अर्थमेटिक में चले हुए हम तो भारत का कितना है टोटल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर, और सबसे अधिक है, सर्वाधिक है बिहार का, बिहार का सर्वाधिक है बिहार का, और सबसे कम है अरुणाचल का, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। बिहार का कितना है 11,002 है, और अरुणाचल का कितना है 17 है, अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश कैसा एरिया आ जाता है कम जनसंख्या वाला एरिया आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। फिर है अगला टाइप से है हमारा, पहले हम एशिया में देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ अर्थमेटिक डेंसिटी के हिसाब से सबसे अधिक एशिया में किसकी है, एशिया में अर्थमेटिक में हम बात कर रहे हैं तो एशिया में सबसे पहला स्थान रहता है अर्थमेटिक में बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व अर्थमेटिक अधिक है, सबसे अधिक है। फिर कोरिया का स्थान आता है, कोरिया। फिर तीसरे नंबर पर है जापान, जापान एक द्वीपीय एरिया है और वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। फिर चौथे नंबर पर भारत आ जाता है, फिर श्रीलंका आता है पांचवें नंबर पर, श्रीलंका। फिर है हमारा है फिलीपींस, फिलीपींस का। फिर है वियतनाम का। फिर है पाक, और फिर चीन का। इस प्रकार से हम देख सकते हैं शुरुआती हमारे हैं बांग्लादेश, कोरिया, जापान, भारत, श्रीलंका, पांच है ये मेनली हम देख सकते हैं एशिया के। बांग्लादेश का सर्वाधिक है और कोरिया का, फिर जापान का, फिर भारत का, और फिर श्रीलंका का। फिर भारत में हम बात करें तो सबसे पहला जैसा कि हमने बताया था सबसे अधिक है बिहार की डेंसिटी। फिर आता है स्थान पश्चिमी बंगाल, पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल, फिर है थर्ड नंबर पर केरल, और फिर फोर्थ पर है यूपी, फिर है हरियाणा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं डेंसिटी। ये बात हो रही है अर्थमेटिक डेंसिटी की। अभी अगला हमारा है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, कायिक घनत्व को नाम दे दिया जाता है। अगला है हमारा
फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इसमें क्या है कायिक घनत्व, इसको नाम दे दिया जाता है, और इसमें इस वाले क्षेत्र को शामिल किया जाता है। पॉपुलेशन तो टोटली रहेगी इसमें, प्रदेश की कुल जनसंख्या और बटे में प्रदेश की कृषि योग्य भूमि। इसमें पॉपुलेशन तो उतनी ही रखी हमने पूरे प्रदेश की, लेकिन उसमें क्या कर दिया है सिर्फ उसी क्षेत्र को लिया जो कृषि योग्य होता है। इसमें अगर हम बाधा की बात करें तो क्या होती है कि इसमें सारी की सारी जनसंख्या को कृषि पर आधारित मान लिया जाता है, और जिन क्षेत्रों में क्या होता है विकसित क्षेत्र होते हैं जो औद्योगिक इत्यादि के कारण होते हैं, वहाँ पर क्या होता है इस प्रकार का घनत्व निकालने में हमें मुश्किल होती है, तो इसमें सभी को कृषि में मान लिया जाता है जनसंख्या, जबकि जनसंख्या का कुछ जो है अलग प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में भी होती है पॉपुलेशन। और ये अधिक कृषि वाले जो है देशों के लिए ये अधिक रहता है, अधिक आता है। ये है भारत का कितना है, ये है अर्थमेटिक से अधिक रहता है ये भारत का। जैसे अर्थमेटिक डेंसिटी तो थी कितनी 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और ये कितना है 775 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर है, ये अधिक रहता है। फिर इसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर डेंसिटी तीसरे नंबर पर, एग्रीकल्चर डेंसिटी, इसमें क्या है इसको कैसे निकालते हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी को, प्रदेश की कृषि में लगी पॉपुलेशन को ले लेते हैं, जनसंख्या को ले लेते हैं, और प्रदेश का कृषि योग्य क्षेत्र इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं। इसमें जो कृषि में लगी हुई जनसंख्या उसको ले लिया जाता है टोटल पॉपुलेशन की अपेक्षा, और प्रदेश का कुल कृषि योग्य क्षेत्र इसमें ले लिया जाता है। यह कृषि वाले जो क्षेत्र उनमें कम आता है, और जो कम कृषि वाले क्षेत्र उनमें अधिक निकल के आता है, तो इसलिए है अधिक कृषि वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी नहीं है भारत जैसे देशों के लिए जहाँ पर कृषि का जो है मुख्य रोल रहता है उनके लिए यह कम दिखाता है, तो यह है उपयोगी नहीं है। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक डेंसिटी हमारे फोर्थ नंबर पर, इकोनॉमिक डेंसिटी, इसमें क्या कर लिया जाता है इसमें देश की कुल जनसंख्या ले ली जाती है, टोटल पॉपुलेशन को लेते हैं हम, और क्या लेते हैं संसाधनों, देश के संसाधनों का मूल्य ले लेते हैं इस प्रकार से इसको निकालते हैं। और न्यूट्रिशन को भी इसी प्रकार से हम फिफ्थ नंबर पर हमारा न्यूट्रिशन डेंसिटी होती है,
न्यूट्रिशन डेंसिटी को भी हम खाद्य पदार्थों के संदर्भ में निकालते हैं। न्यूट्रिशन में भी हम क्या करेंगे, फुल पॉपुलेशन को ही रखेंगे और टोटल खाद्य पदार्थों को रख लेते हैं। इसमें न्यूट्रिशन में डेंसिटी में भी क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन बटे में खाद्य पदार्थ, टोटल खाद्य पदार्थ इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पूरे विश्व के जनसंख्या घनत्व का वितरण हमें दिखाना है। तो हम देखते हैं इनको, पूरे विश्व को चार भागों में बांटा है, चार भागों में बांट कर देख लेते हैं, चार भाग बना देते हैं पूरे विश्व के। हम पहले नंबर पर है कौन से क्षेत्र हैं, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र जिनमें कितना रहेगा घनत्व, 100 प्लस। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, वही है जैसा कि हमने वितरण में बात की थी, एशिया का पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया आ जाएगा इसमें, मध्य और पश्चिमी यूरोप आ जाएगा, उत्तरी पूर्वी अमेरिका आ जाता है इसमें, ये क्षेत्र आते हैं मेनली। फिर दूसरे नंबर पर हमारा मध्यम में हम देखते हैं कितना रहता है हमारा, 5100 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसमें आ जाते हैं ये। इनके साथ जो है उच्च घनत्व वाले एरियाज के साथ लगते एरिया इसमें आ जाते हैं। फिर इसके बाद है तीसरे नंबर पर निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में कितना रहता है, 10 से 50 तक, इसमें कौन से क्षेत्र आएंगे, इसमें वो क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पर कहीं कहीं बिखरी हुई पॉपुलेशन पाई जाती है। फिर अति निम्न इसमें वो क्षेत्र आ जाते हैं जो कि शुष्क मरुस्थलीय हैं या फिर उष्ण या पर्वतीय ऐसे क्षेत्र हैं, अंटार्कटिका ग्रीनलैंड ये वाले क्षेत्र इसमें आ जाते हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र या फिर निम्न अक्षांशीय कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन के क्षेत्र में आ जाते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये भारत के संदर्भ में हमें देखनी है, अभी पॉपुलेशन की डेंसिटी भारत के संदर्भ में, भारत की हम बात करें तो एवरेज कितनी है डेंसिटी भारत के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, तो भारत की कितनी है एवरेज डेंसिटी, 382 वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यानी कि वर्ग
एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 382 व्यक्ति रहते हैं। तो और इसमें जो है 57 अंक की वृद्धि देखी गई है, जैसा कि पहले शुरुआती से इसमें 57 अंकों की यानी कि बड़ी है, डेंसिटी बड़ी है, वृद्धि हुई है 2011 तक। फिर है यूटी तथा राज्यों को मिलाकर सर्वाधिक, अगर हम बात करें यूटी और स्टेट दोनों को मिला दें तो सर्वाधिक किसकी है डेंसिटी? सर्वाधिक डेंसिटी दोनों में यूटी और स्टेट में सबसे अधिक है दिल्ली की। दिल्ली की कितनी है? दिल्ली की 11,297 और व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है चंडीगढ़ में 9,000 के आसपास इस प्रकार से है, 11 9 इस प्रकार से है। सबसे अधिक है दिल्ली की, दिल्ली जिसका एरिया छोटा सा ही है और अत्यधिक पॉपुलेशन निवास करती है। फिर इसके बाद है दिल्ली के बाद चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो राजधानी नगर है, तो इसमें क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, 9,225 है। फिर है 52 है। फिर है सबसे कम हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है। कितनी है? 17 व्यक्ति मिलेंगे, कितने एक वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 17 व्यक्ति ही मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। और ये तो थी यूटी आ जाते हैं दो हमारे, और स्टेट की, सिर्फ स्टेट की बात करें तो बिहार की सबसे अधिक डेंसिटी है। राज्यों में बिहार का सर्वाधिक है। राज्यों में बात करें तो बिहार का प्रथम स्थान है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में। कितनी है बिहार की? 1102। जैसे हमने पहले बात की थी विश्व लेवल पर, ऐसे चार भागों में भारत में भी हम देखें तो इस प्रकार से है, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र जहाँ पर 2000 से अधिक जनसंख्या होती है, डेंसिटी रहती है। फिर अधिक सघन, अत्यधिक में 2000 से अधिक, फिर अधिक में दूसरे नंबर पर अधिक में 501 से 200 तक, 2000 तक। तीसरे नंबर पर सामान्य रहती है 201 से 500 तक, और अल्प रहती है 200 या 200 से कम तक। फिर देख लेते हम अत्यधिक होने का कारण क्या है, अत्यधिक होने का अत्यधिक पॉपुलेशन होने का कारण है लघु आकार होना किसी क्षेत्र का, छोटे आकार में अत्यधिक जो है लोगों का होना, और सुरक्षा की दृष्टि से सैनिकों इत्यादि की भारी संख्या में होना हो सकता है। ये क्षेत्र हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, दमन एवं दीप, लक्ष्मीद्वीप। कारण यही होंगे
आकार छोटा इनका और सैनिक दृष्टि से भी अत्यधिक पॉपुलेशन रहती है सुरक्षा की दृष्टि से। और फिर अधिक सघन पॉपुलेशन में आ जाते हैं हमारे, अधिक सघन में आ जाते हैं बिहार, पश्चिमी बंगाल और केरला, यूपी, दादरा नगर हवेली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। इसका होने का कारण है अधिक यहाँ पर मुख्य साधन कृषि है, जलोढ़ मिट्टी है और 90% पॉपुलेशन कैसी है यहाँ पर मैदानी भागों में ग्रामीण है। और दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में केरला आ जाता है, इसमें भी क्या है कृषि इत्यादि के लिए नारियल इत्यादि की कृषि की जाती है। फिर तीसरे नंबर के जैसे हमने बात की थी सामान्य वाले में आ जाते झारखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, ये मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। फिर बिल्कुल कम में आ जाता है अरुणाचल, अंडमान निकोबार, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय, ये एक बहुत ही कम डेंसिटी वाले क्षेत्र हैं। थैंक यू।